हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुजीत व्लॉग्स और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रूट्स एंड प्लेसेस फॉर राइडर्स। दोस्तों, राइड करने के लिए ना जब हम राइडिंग प्लान करते हैं, रोड ट्रिप प्लान करते हैं, तो दोस्तों बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा सीज़न अच्छा होता है, कौन सा रूट हमको फॉलो करना है और प्लेसेस कहाँ राइड करें मेन चीज़ रहता है। तो दोस्तों आज ये वीडियो में ये सारे तीनों जो पॉइंट है ना कवर करने वाले हैं। दोस्तों कहाँ जाना चाहिए टॉप 10 प्लेसेस बताऊंगा, साथ में रूट भी बताने वाला हूँ कि कौन सा रूट से जाना चाहिए और कौन सा सीज़न होता है, कौन सा मंथ में आपको जाएंगे तो आपको प्लेसेस में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों मेक श्योर इस वीडियो को आपको जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट प्लेस पे है राइडर्स का जन्नत जो कि है लेह लद्दाख। और दोस्तों इस रूट को कोई भी राइडर मिस नहीं करता। दोस्तों लाइफ में एक बार इस ट्रिप को जरूर करना। कई राइडर्स हर ईयर जाते हैं यहाँ पे राइड करने के लिए क्योंकि ये जो रूट है मनाली टू लेह का जो रूट है वो चैलेंजिंग रूट है। दोस्तों इंटरेस्टिंग रूट है, डिफरेंट वेदर्स आपको मिलेंगे, कंडीशंस आपको मिलेंगे, मतलब चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से राइडर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मनाली रोहतांग पास सरचू, ये जो है लेह कम्प्लीट करना लोगों का टारगेट रहता है। और इसका एक और रूट आता है जो लेह जाता है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं जो कि श्रीनगर और कारगिल होके जाता है, एक सर्किट पूरा आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका जो बेस्ट सीज़न है वो जून जुलाई और अगस्त, अगर तीन मंथ में आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट वेदर कंडीशन मिलेगी वहाँ पर और आपको बहुत ही मजा आना। अगर इसके बजट की बात करूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है तो बजट जो रहेगा आपका पर पर्सन जो है 25 to 35 तक आप इसको खींच सकते हैं, 25K to 35K तक आराम से जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्लेस के ऊपर। तो सेकंड नंबर पर आता है स्पीति वैली जो कि हिमाचल में है। दोस्तों यहाँ पर लोग दुनिया देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर राइड करने के लिए और ये रोड अगेन बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसके डिफरेंट वेदर कंडीशन मिल जाएंगे। और एक और चीज़ है जो यहाँ पे जो रोड्स है ना उसे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और हाइट भी बहुत रहता है। दोस्तों लेह लद्दाख के बाद में सेकंड ऐसी जगह पर है जहाँ पर राइडर अपनी लिस्ट में इसको जरूर रखते हैं, एक सर्किट पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जो कि शिमला से जाता है, किन्नौर जाता है, वहाँ पर नाको काजा और फिर उसके बाद स्पीति, फिर केलोंग, फिर मनाली, ये एक सर्किट पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जो कि जून और अक्टूबर के बीच में अगर आप करते हैं ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तब ग्लेशियर जो होता है पिघल जाता है, जो पहाड़ पे जो बर्फ़ बनी होती है वो पिघल जाती है और वो रूट जो होते हैं ऊपर खाली हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है बेस्ट। इसका अगर बजट की बात करें दोस्तों आप 20 to 30K के आसपास में आराम से यहाँ पर राइड कर सकते हैं। शॉर्ट रूट्स हैं बट चैलेंजिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आप यहाँ पर 200-250 किलोमीटर डेली का भी कंप्लीट ठीक से नहीं कर पाते, बहुत चैलेंजिंग रोड रहता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस के ऊपर। तो तीसरे नंबर पे आता है रण ऑफ कच्छ जो कि है अहमदाबाद कच्छ का रूट। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल बोल सकते हैं, ज़्यादा आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल रूट आपको मिलेगा, चैलेंजिंग थोड़ा कम है, सिंपल राइडर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों रण ऑफ कच्छ जो है गुजरात में बहुत ही फेमस है। दोस्तों अहमदाबाद सुरेंद्रनगर और लिटिल रण ऑफ कच्छ, फिर उसके बाद रण ऑफ कच्छ आता है, ये जो रूट अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा। इसका बजट बहुत ही सस्ता पड़ जाता है, मुश्किल से आपको 10 to 20K में आराम से ये ट्रिप कर सकते हैं। और जो दिसंबर अगर मार्च के बीच में जाते हैं तो एक टोटली एक फेस्टिवल मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर ठंडियों में जाना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है, गर्मी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो दिसंबर टू मार्च के बीच में जाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पर VVIPs भी आते हैं, देश विदेश से लोग भी आते हैं विजिट करने के लिए, एकदम कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको नई नई चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस के ऊपर। दोस्तों फोर्थ नंबर पर है दार्जिलिंग सिक्किम। और यहाँ की ब्यूटी देखने के लिए, ईस्ट की ब्यूटी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं राइड करने के लिए इस रोड कंडीशन में, बिकॉज यहाँ पे जो नेचर लवर हैं उनके लिए तो ये जन्नत है एक्चुअल में। और दोस्तों सिक्किम देखने के लिए वैसे भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं एंड यहाँ पर जो मेन चीज़ है आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोड कंडीशंस मिल जाती हैं, मतलब ज़्यादातर तो अच्छी ही मिलेंगी यहाँ पे, हिली फ्लैट रोड और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोड मिल जाते हैं, जहाँ चैलेंजिंग तो नहीं है बट इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सिलीगुड़ी दार्जिलिंग और गोंटक का जो रूट होता है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और साल में आप कभी भी आके यहाँ पे राइड करते हैं, कोई टाइम बाउंड नहीं है कि इसी टाइम से टाइम पे आना है, आप साल में कभी भी आ सकते हैं। और जो बजट अगर आप रखते हैं 20 to 30K का तो आप आराम से यहाँ पर राइड करके जा सकते हैं। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे आता है दिल्ली कॉर्बेट और नैनीताल रूट। और दोस्तों ये रूट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेम नेचर लवर के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। दोस्तों अगर आप दिल्ली रामनगर और कॉर्बेट नैनीताल करते हैं जो कि उत्तराखंड में है तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, नेचर लवर्स के लिए बहुत अच्छा है,
रोड कंडीशन सिंपल मिलेंगी, सिंपल राइडर्स के लिए बहुत अच्छा है, बट हाँ डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अक्टूबर टू अप्रैल के बीच में अगर आप करते हैं ठंडियों में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसका अगर बजट की बात करें तो सेम अगर आप 20-30K के आसपास रखते हैं तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है। दोस्तों 6 नंबर पे आता है ईस्ट कोस्ट हाईवेज ऑफ तमिलनाडु। दोस्तों ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रूट आपके रहेगा अगर आप राइड करना चाहते हैं ठंडियों में खास तौर से। तो दिसंबर टू जनवरी में यहाँ पर अगर आप राइड करना चाहते हैं तो इस ईस्ट कोस्ट पे आप जरूर राइड करिएगा एक बार। इसकी जो हाईवे रूट है वो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चेन्नई, महाबलीपुरम, पौंडीचेरी और दूसरा आप रामेश्वरम, तुतुकुरिन जो जगह है यहाँ पर अगर आप राइड करते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आता है। और ये रूट भी इवन बहुत सारे राइडर इधर पर आके राइड करते हैं। मेनली यहाँ पे जो है राइडिंग पर्पस अगर आप आते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से वहाँ पे टेंपल्स हैं, जो साउथ का जो बोलते हैं ना एक कल्चर है वहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो साउथ में ये बेस्ट प्लेस है जहाँ पर आप राइड कर सकते हैं। दोस्तों हाईवे की बात आती है तो मुंबई गोवा हाईवे जो है वो है 7 नंबर पे। दोस्तों इस रूट पे जो NH-17 जो रूट है उसको बहुत सारे राइडर, मुंबई से जितने भी ऊपर के राइडर्स हैं, नॉर्थ इंडियन राइडर्स जितने भी हैं, नॉर्थ साइड के जितने भी राइडर्स हैं वो इस रूट को फॉलो करते हैं। ये रूट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कनेक्ट करता है NH-17 वो मुंबई केरला कनेक्ट करता है। तो दोस्तों ये जो है ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पे सीनरीज बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो एक बार इस हाईवे पे राइड करके देखिएगा, आपके एक नेक्स्ट लेवल फील और मज़ा आने वाला है। जो नेचर लवर है उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अक्टूबर फरवरी के बीच में इसको राइड करिए, ठंडी के टाइम पे आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली समर्स और रेनी सीजन में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, बट ठंडी जो होता है वो राइडर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड बजट की बात की जाए तो ज़्यादा बजट नहीं है दोस्तों, एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं आप ये रूट आराम से। तो इसको हम लेते हैं 5-10,000 का बजट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस के ऊपर। दोस्तों 8 नंबर पे आता है वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों ये जो है राइडर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वहाँ का वाटरफॉल। दोस्तों फॉरेस्ट के बीच में से गाड़ी निकालना, बाइक निकालना, दोस्तों माउंटेन पे गाड़ी चलाना और दूसरा आपको वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करना, ये सब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होता है। वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड रूट है, एरियाज़ हैं, मैक्सिमम एडवेंचर से भरे रूट हैं। दोस्तों राइडर्स को बहुत पसंद आता है। दिरांग और तवांग जो आपने नाम सुना ही होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। दोस्तों ये रूट होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मार्च टू मई तक अगर आप जाते हैं, मार्च टू मई में अगर आप जाते हैं या फिर अक्टूबर टू नवंबर में आप जाते हैं तो ये रूट में बहुत ही मज़ा आता है। मैक्सिमम टाइम वहाँ पर बारिश होती रहती है तो दोस्तों वहाँ पर इसलिए टाइम देख के जाना होता है। दोस्तों वैसे तो इसका अगर बजट की बात करूँ तो बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन स्टे करते हैं, मगर अगर 20-30 हज़ार के अगर बजट लेके चलते हैं तो वहाँ पर आप इजीली आप इस ट्रिप को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और दोस्तों ये रूट करना मेरा रिकमेंडेशन भी रहेगा, मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि जल्दी ये रूट पे जाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस के ऊपर। तो दोस्तों 9 नंबर पे आता है कोली हिल, जो कि है ईस्टर्न घाट में तमिलनाडु के। और दोस्तों ये डेडलीस्ट माउंटेन कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे जो जिगजैग रोड है वो 70 कंटिन्यूस बेंड्स हैं। तो यहाँ पर आपको टर्न करना मतलब रोड बहुत ही ज़्यादा लंबा लगता है। और दोस्तों सीनरीज की तो बात ही अलग है। एक्चुअल में ये रोड अगर आपके टर्न्स अच्छे हैं तो टेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्लेस है। बाइकर्स को यहाँ बहुत ज़्यादा थ्रिल मिलता है, मज़ा आता है, तो इसलिए बहुत जाते हैं। और किसी भी सीज़न में आप इसमें जा सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सीज़न नहीं है। और दोस्तों कोली हिल को करने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं, मतलब इसकी जो हिल पहाड़ी सीनरीज विनरीज जो देखने के लिए ना बहुत ही लोगों को पसंद आता है। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटरफॉल मिलेंगे, शिव के टेम्पल्स मिलेंगे, मतलब तमिलनाडु है तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा और रोड की कंडीशन भी इवन अच्छी है। तो दोस्तों मैं भी रिकमेंड करूँगा, बजट की बात की जाए तो ज़्यादा बजट नहीं लेके चलते हैं यहाँ पर। आप आराम से 10-20,000 के अंदर में आराम से इस ट्रिप को इंटरेस्ट लेते हो, मज़ा लेते हो कर सकते हैं। दोस्तों 10 नंबर पे है शिलोंग का ईस्ट कासी हिल। दोस्तों ये राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप राइडिंग का प्लान कर रहे हो तो एक बार इसको भी कंसिडर जरूर करेगा, बट अगर आपको बारिश नहीं पसंद, रेनी सीजन नहीं पसंद तो इस रूट पे जाने का कोई मतलब नहीं होता। बिकॉज यहाँ पर है वेट प्लेस, मतलब वेट मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। दोस्तों गुवाहाटी से लेके आप ईस्ट कासी हिल, मतलब बीच में आपको शिलोंग आएगा, चेरापुंजी आएगा, ये जो रूट है बहुत सारे राइडर्स करते भी हैं। अक्टूबर टू फरवरी के बीच में जाइए, ठंडे मौसम में जाइए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। यहाँ पे क्लीनेस्ट विलेज मिल जाएंगे आपको और जो रूट है वहाँ पे ब्रिजेस, वाटरफॉल बहुत सारे मिलेंगे। अगेन सीनरी बहुत है, नेचर लवर के लिए तो अगेन ये मतलब एक हेवन हो जाएगा, एक जन्नत जैसा हो जाएगा। एंड दोस्तों ये अगर इसके बजट के बारे में बात करें तो बजट भी आपको इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए होता है,
आराम से आप 15 से 25 हज़ार के बीच में मस्त तरीके से इंजॉय करके आ सकते हैं। सस्ती सिटी है, आराम से सस्ती जगहें हैं वहाँ पर, आपको आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइड करने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो उतना ज़्यादा खर्चा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा होगा। ये जो मैंने जगह बताई है, इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं इंडिया में जहाँ पर एक्सप्लोर किया जाता है, बट ये जो मैंने बताया वो टॉप 10 में बोल सकते हैं कि टॉप 10 में आते हैं। इनमें से कुछ प्लेसेस जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें वीडियो में डाले हुए हैं। आपको कौन कौन से प्लेस पसंद है मुझे ज़रूर बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कहीं गए हुए हैं और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अपना वहाँ का कोई ऐसा चीज़ है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते हैं गुरुजी व्लॉग्स। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और व्लॉग्स और डिटेलिंग्स जो है ना आपके लिए मैं लाता रहूँगा। बाय।